हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आपके पास कार है और आप LPG सब्सिडी भी लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मोदी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे देश में जितने भी लोगों के पास कार है उन्हें गैस सब्सिडी देना बंद किया जा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार LPG सब्सिडी में खर्च होने वाले पैसे को बचाने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पूरा प्रस्ताव तैयार करने के लिए कई जिलों के RTO ऑफिस से डाटा जुटा लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में वे लोग भी सब्सिडी ले रहे हैं जिनके पास 2 से 3 कारें हैं। ऐसे में मोदी सरकार का LPG सब्सिडी का पैसा बचाने के लिए यह कदम उठा सकती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने उन लोगों को सब्सिडी के दायरे से बाहर कर दिया था जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने स्तर पर सब्सिडी छोड़ने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए एक पिविटिव कैंपेन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विकल्प अपनाकर 3.6 करोड़ फर्जी कनेक्शन पर धावा बोला था। इससे सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए बचाए थे। हालांकि सभी कार मालिकों से सब्सिडी वापस लेना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह काम काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कार मालिकों और उनके संबंधित पते से वेरीफाई करना भी जरूरी होगा। बता दें कि मौजूदा समय में आपको LPG गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है।